नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है प्रयागराज फूलपुर से। लेखपाल और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से ग्राम सभा की जमीन पर अवैध तरीका से कब्जा किया जा रहा है। जनपद प्रयागराज तहसील फूलपुर विकास खंड बहरिया के अंतर्गत ग्राम सभा बसहरी में ग्राम सभा की जमीन पर प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से इजहार अली दबंग द्वारा अवैध तरीका से कब्जा किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने विरोध करने पर इजहार अली दबंग द्वारा लड़ाई पर उतारू है। इसी बात को लेकर जब ग्राम प्रधान भारत लाल यादव से जानकारी लिया गया तो प्रधान द्वारा बताया गया पट्टा की जानकारी हमको नहीं है। जब ग्राम सभा की जमीन पर प्रधान को नहीं मालूम है, वही दबंग इजहार अली द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि प्रधान और लेखपाल द्वारा हमको गाटा संख्या 78 पर पट्टा किया गया है। वही ग्रामीणों का आरोप, ग्राम सभा की जमीन है जो 78 नंबर बंजर खाते में दर्ज है और दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लेखपाल से आपने शिकायत किया? लेखपाल से कई बार फोन लगाया लेकिन लेखपाल बात करता है, आता है, चला जाता है। इसकी शिकायत जो है तहसीलदार से भी किया आपने? तहसीलदार से टेलीफोन पे बात हुई, तहसीलदार भी कोई कार्रवाई नहीं किया। अच्छा, तो किस जगह पे है ये जमीन? ग्राम सभा बसरही। ग्राम सभा बसरही की ग्राम समाज जमीन पर अवैध कब्जा प्रधान द्वारा लेखपाल द्वारा कराया जा रहा है और पंचायत भवन बनने के लिए आया है। पंचायत भवन की जमीन पहले से आवंटित है, उस पर न बनवाने के बजाय अपने ऊसर में ले जा कर के बस्ती से बहुत दूर ले जाकर बनवाया जा रहा है। पंचायत भवन गांव के मध्य में होना चाहिए, उससे हम लोगों का विकास होगा। आप कैसे खड़ा हुई? कौन? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, ये क्या आपका कोई पट्टा हुआ? नहीं है अवैध, नहीं है ये ना? पट्टा हुआ है आपका? पट्टा हुआ है, तो हुआ है ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है। प्रधान का तो कहना है कि ऐसा हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं है पट्टे के बारे में। पट्टे के बारे में जानकारी नहीं है उनको, जो है फौरी मौखिक जानकारी है। नहीं, जब ग्राम सभा प्रधान को नहीं मालूम है कि पट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है तो वही ग्राम सभा प्रधान द्वारा कैसे पट्टा किया जा सकता है। वही भाजपा नेता अनुपम मौर्य, राजेश बहादुर पटेल, सिंधु राज पटेल, ब्रजेश जायसवाल, मतीउल्ला, हजरत अली, साहिद अली, तूफान अली व आदि लोगों ने उच्च अधिकारियों के साथ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है कि जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है उसको तत्काल हटाया जाए। प्रधान जी, ये बताइए कि ये ग्राम सभा की जमीन पर अवैध तरीके से क्यों कैसा कब्जा किया जा रहा है? इस तरह की अभी लिखित शिकायत हमें कुछ प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा जब अफवाह फैलाई गई तो इस संबंध में राजस्व निरीक्षक RI कहली और हल्का लेखपाल राम खिलाव उनको बुला करके मौके पे सारे कार्य को रुकवा करके सरकारी पौधों का रोपण करवा करके घेराबंदी करवा दी गई है। जमीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आ गई है। बगल किसी शेष भूमि जो उप जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर पंचायत भवन के रूप में दी गई है, शीघ्र ही जैसे ही दिशा निर्देश आदेश अधिकारियों को प्राप्त होंगे अधिकारियों के आदेश पर कार्य करा दिए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कहली लेखपाल को अवगत कराया गया है, वृक्षारोपण हमारे द्वारा करा दिया गया है, वृक्षारोपण सरकारी कराया गया है, इसमें किसी तरह का कोई अवैध कब्जा नहीं है। क्या इनका कहना है कि हमको पट्टा मिला हुआ, क्या ये सही है कि गलत है? पट्टे के संबंध में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब भी आदेश प्राप्त होंगे उन्हीं के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। आपको इसके बारे में नहीं मालूम है कि ये पट्टा हुआ है या नहीं हुआ है? माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन शीघ्र ही लेखपाल राजस्व निरीक्षक द्वारा कराया जाएगा। जी, आपका नाम? हम ग्राम प्रधान बसरही भरत लाल यादव। ये खास रिपोर्ट थी हमारे ब्यूरो कार्यालय की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।